हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हु वर मौर्यास। मौर्यास के ओरिजिन के बारे में कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस हमें देते हैं। जैसे कि एक 4th सेंचुरी संस्कृत ड्रामा है जिसका नाम है मुद्र राक्षस। ये बुक लिखी विशाख दत्त ने, काफी फेमस पोइट रहे 4th सेंचुरी के। ये साहब, इन्होंने किताब लिखी मुद्र राक्षस। इसमें बोला गया कि जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज द सन ऑफ द नंद रूलर और फ्रॉम अ वाइफ, वन ऑफ हिज वाइफ फ्रॉम लो कास्ट। इसके साथ कथा सरित सागर की बात करें, सोमदत्त साहब ने लिखी इसके अंदर। और बृहद कथा मंजारी के अंदर जो शमिंदर साहब लिखते हैं, कॉमन बात कही गई कि मौर्यवर फ्रॉम वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे। परिशिष्ट पर्वम की अगर हम बात करें, ये एक जैन टेक्स्ट है जो लिखा हेम चंद्र साहब ने। इनके अकॉर्डिंग मौर्यास वर बेसिकली अ ट्राइब जो पिकॉक रेयरिंग का काम किया करती थी। पुण्य श्रवा कथा कोश, एक और जैन टेक्स्ट हमें मिलता है, ये बोलता है कि मौर्यास वर क्षत्रियाज। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र जो कि लिखा कौटिल्य साहब ने, इसके अंदर हमें सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी मौर्यास, या स्टेट क्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में बात कही गई। और डिफरेंट सोर्सेस से हमें पता लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब फाउंडेशन रखी थी मौर्यन एम्पायर की, वो रखी थी विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री के अंदर जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि चाणक्य वॉज अ स्टॉन्च ब्राह्मण जो कि फॉलोअर थे वर्ण आश्रम के, मींस वर्ण सिस्टम पे पूरी तरह से फेथ रखते होंगे। इसीलिए एक स्टॉन्च ब्राह्मण एंशियंट टाइम पीरियड में कभी भी किसी लोअर वर्ण से आदमी को रूलर नहीं बनाएगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स का मानना है कि मौर्यास वर क्षत्रियास। अब चलते हैं हम डायरेक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। तो यहाँ पे जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इनका रूल का टाइम पीरियड 321 BC से 297 BC तक हमें देखने को मिलता है। इस रूल के अंदर ही यूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने डेक्कन को भी अपनी किंगडम का पार्ट बनाया और एस्टेब्लिश की एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। इसके साथ साथ अगर मैं इनके सेंटर ऑफ पावर की बात करूं तो दैट वाज एट मगध विद कैपिटल एट पाटलिपुत्र। और यहां पे इन्होंने किया क्या था, इन्होंने लास्ट नंद रूलर जिनका नाम था धननंद, इनको डिथ्रोन करके पाटलिपुत्र को ऑक्यूपाई किया था 321 BC में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब हो रहा था विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहां पे जो चाणक्य साहब थे, जैसा कि हमने बात की, इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। और चाणक्य साहब की जो बायोग्राफी है वो लिखी गई परिशिष्ट पर्वम के नाम से, हेमचंद्र साहब ने, जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। ये एक जैन टेक्स्ट भी है। इसके साथ साथ हमें एक और टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मुद्र राक्षस, जो लिखा विशाख दत्त ने। इसके अंदर किस तरह से चंद्रगुप्त के जो एनिमीज थे उनको हटाया चाणक्य ने, इसकी सारी डिटेल प्रोवाइड की गई है। मोर ओवर एक इंपॉर्टेंट डेट हमें देखने को मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की, और ये डेट है 305 BC, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक बैटल हमें देखने को मिली। बैटल हुई सेलकस निकेटर के साथ।
वॉज अ फॉर्मर जर्नल ऑफ एलेक्जेंडर दी ग्रेट, उनके जर्नल थे। इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ 305 में आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर। यहाँ पे इनको गवर्नर बना दिया गया था अफगानिस्तान के रीजन का, तो वहां पे इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, कुछ सोर्स बोलते हैं। तो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, और दोनों में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ 303 BC, विच वॉज साइंड इन द फेवर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रीटी है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर को 500 एलिफेंट देते हैं, और इसके बदले में जितना भी ईस्टर्न अफगानिस्तान का रीजन था जिसमें इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज काबुल, हेरत, गंधार, बलोचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये सारा का सारा एरिया सरेंडर किया सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का। और कुछ सोर्स बोलते हैं इसके साथ साथ सेलुकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलन की शादी भी की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। कहां तक सही है, एज सच ज्यादा रिकॉर्ड इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करते। अब ये जो ग्रीक्स के साथ फाइट हमें देखने को मिली, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें ग्रीक अकाउंट्स के अंदर भी देखने को मिलती है जो कंटेम्पररी टाइम पीरियड के थे। ग्रीक अकाउंट्स के अंदर चंद्रगुप्त को नाम दिया गया सेंड्रोकॉटस। प्रोबेबली दिस इज द मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ चंद्रगुप्त। हो सकता है चंद्रगुप्त नहीं बोल पाते हो, सेंड्रोकॉटस ही बोला हो उन्होंने और उसी तरह से उन्होंने लिख दिया हो। तो ग्रीक अकाउंट में सेंड्रोकॉटस ही हमें चंद्रगुप्त का नाम मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं चंद्रगुप्त के कोर्ट में, मेगस्थीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ये बेसिकली वॉज एन एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर साहब भेजते हैं इनको चंद्रगुप्त के कोर्ट में, पाटलिपुत्र में, और यहाँ पे इन्होंने किताब लिखी इंडिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जिसमें इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है पाटलिपुत्र सिटी की, चंद्रगुप्त की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी मिलिट्री के बारे में, और इंडियन सोसाइटी के बारे में। इसके अलावा इंडिया के क्लाइमेट के बारे में भी बात करते हैं, फ्लोरा फ्यूना के बारे में भी बात करते हैं। तो काफी विविडली राइट किया था मेगस्थीन ने, बट अनफॉर्चुनेटली ये किताब गॉट पेरिश्ड अवे, मीन्स ये किताब आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सर्वाइव ही नहीं की। अब जब सर्वाइव नहीं की, लॉस्ट हो चुकी है, तो हमें पता कैसे चला, क्योंकि ये किताब सर्वाइव होती है इन दी राइटिंग्स ऑफ कंटेम्पररी ग्रीक हिस्टोरियन, जैसे स्ट्राबो साहब थे, एरियन साहब थे, डायोडोरस साहब थे, उनके वर्क में हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेगस्थीन ने ये किताब लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कुछ जैन ट्रेडिशंस की। जो जैन ट्रेडिशन बात करते हैं चंद्रगुप्त की जिंदगी के लास्ट मूवमेंट्स की, लास्ट टाइम पीरियड की, यहाँ पे ये जैन किताबें खास करके परिशिष्ट पर्वम जिसके बारे में हमने बात की, ये बोलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जिंदगी के लास्ट टाइम पीरियड में जैनिज्म को एम्ब्रेस्ड किया था, और ही स्टेप्ड डाउन इन द फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट सन बिंदुसार। तो बिंदुसार को राजा बनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं एक जैन मॉन्क, और पाटलिपुत्र छोड़ के चले गए सरवना बेलगोल, ये पड़ता है मैसूर के पास। यहाँ पे कुछ केव्स हमें देखने को मिलती हैं, केव्स हैं ये जैन रिलीजन से एसोसिएटेड। तो यहाँ पे इन्होंने अपने जिंदगी के लास्ट साल व्यतीत किए थे, स्पेंड किए थे एज अ जैन मॉन्क, और वहां पे ही हमें ये रिकॉर्ड बोलते हैं कि ही वेयर ही स्टार्व हिमसेल्फ टू डेथ। एक एक अप्रूव्ड जैन फैशन है जिसे हम संलेखन बोलते हैं, कि लास्ट में लाइफ के खाना पीना छोड़ देना। तो इस तरह से ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम बिंदुसार की। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड 297 BC से 272 BC तक। ग्रीक अकाउंट्स वापस यहाँ पे आते हैं, रोल प्ले कर रहे हैं अपना, और यहाँ पे बिंदुसार का नाम मेंशन किया गया है एज अमित्रोकेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों अमित्रोकेट्स बोलते हैं ग्रीक अकाउंट, क्योंकि बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता था, संस्कृत नाम है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब द डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज, यहां से ही मिसप्रोनाउंस करके अमित्रोकेट्स बन गया।
अब 16 सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट मॉन्क इंडिया में आए, तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था तारनाथ। तारनाथ साहब बोलते हैं कि बिंदुसार साहब ने 16 स्टेट्स को कॉन्कर किया था और ये सारी की सारी 16 स्टेट्स टू सीज के बीच में पड़ती हैं। दो सीज की अखबार में हम बात करें इंडिया में तो वो एक ही एरिया है, डेक्कन से नीचे का साउथ इंडिया, दो सीज अरेबियन और प्रॉबेबली बे ऑफ बंगाल, इसी की बात चल रही है। तो वहां पे भी इन्होंने अपने एम्पायर के परचम लहराए थे, उस एरिया को एनेक्स किया था, और अपने फादर की तरह इनके भी फॉरनर्स के साथ रिलेशन थे। जैसे हमें एक ग्रीक रूलर देखने को मिलते हैं सीरिया के, इनका नाम था एंटियोकस फर्स्ट। एंटियोकस फर्स्ट साहब भी अपने एक एम्बेसडर डायमियाकस को भेजते हैं, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त साहब के टाइम पीरियड में भी एक एम्बेसडर आए थे मेगस्थीन, और बिंदुसार के टाइम पीरियड में भी डायमियाकस साहब आते हैं, ठीक है, सीरिया से। इसके अलावा इन दोनों के बीच में, मींस बिंदुसार और एंटियोकस के बीच में, काफी ज्यादा लेटर एक्सचेंज हुए थे, और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हमें पता चलता है इन दोनों के बीच में, जिसमें बिंदुसार ने कुछ डिमांड्स की थी एंटियोकस फर्स्ट ने। इन्होंने एंटियोकस फर्स्ट से तीन चीजें मांगी, दैट इज स्वीट वाइन, ड्राइड फिक्स और एक फिलोसोफर्स। अब फिलोसोफर की बात करूं तो ग्रीक फिलोसफी एंशियंट टाइम पीरियड में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, तो इसलिए डिमांड भी की गई। अब इन तीनों में से दो चीजें एंटियोकस फर्स्ट साहब भेजते हैं, दैट इज स्वीट वाइन एंड ड्राइड फिक्स, और फिलोसोफर नहीं भेजते हैं एक्सप्लेनिंग कि ग्रीक लॉज जो हैं ये परमिट नहीं करते किसी भी फिलोसोफर या फिर किसी भी सोफिस्ट को किसी दूसरे देश में भेजना, तो तीसरी डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। फिर कुछ रिकॉर्ड्स हमें बोलते हैं कि एक और रूलर पोटॉलमी सेकंड साहब जो थे इजिप्ट के, ये साहब ने भी डिप्लोमेटिक कांटेक्ट एस्टेब्लिश किए थे बिंदुसार के साथ, जिसके चलते इन्होंने अपने एक एम्बेसडर डायोनियोसियस को भेजा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी थोड़ी सी डिफरेंट, और इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है दिव्य वेदना। ये बुक बोलती है कि बिंदुसार चाहते थे कि उनके बड़े बेटे सुशिम उनके बाद गद्दी पे बैठे, तो एयर टू थ्रोन चूज किया गया सुशिम को, और इस समय अशोक साहब कहाँ थे? अशोक साहब थे तक्षशिला के अंदर। तक्षशिला में एक काफी बड़ा रेबिलियन हुआ था, उसे सप्रेस किया था अशोक ने इस समय। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक और उनके सक्सेसर्स को। थैंक यू वेरी मच।